ने पुलिस को मुंबई और नवी मुंबई में इजाजत के बिना मस्जिद के ऊपर लगाए गए लाउडस्पीकर्स को हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस पीडी कोडे की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका पर अपने फैसले में कहा कि चाहे गणेशोत्सव हो, नवरात्रि हो या फिर मस्जिद, जहां कहीं भी गैर कानूनी तरीके से लाउडस्पीकर लगे हैं उन्हें जब्त कर लिए जाएं। एक आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नवी मुंबई इलाके में 49 में से 45 मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बिना इजाजत लगाए गए हैं। इस आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट में नवी मुंबई के निवासी संतोष पचालाट ने एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने मस्जिदों की ओर से लाउडस्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो पता लगाए कि क्या मस्जिदों ने लाउडस्पीकर लगाने से पहले इजाजत ली थी। जस्टिस कनाडे ने पूछा, अगर ये इजाजत के बिना लगाए गए हैं तो क्या कार्रवाई की गई है? ऐसा चलने नहीं दिया जा सकता। ये मस्जिद साइलेंस जोन में है, यानी आसपास स्कूल और हॉस्पिटल हैं। जस्टिस कनाडे ने कहा कि रोगी और बुजुर्गों को लाउडस्पीकर की आवाज से परेशानी होती है। देखा गया है कि नवरात्रि और गणेश उत्सव के दौरान भी काफी शोर होता है, ये सब लगातार साउंड पॉल्यूशन फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी बिना इजाजत और अवैध लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उन्हें जब्त कर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।